आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 to 27 डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। एक डिसिप्लिन में नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लाइक 132 पोस्ट आपके रिलीज करी गई असिस्टेंट प्रोफेसर से। एंड यहाँ पे एक पोस्ट भी रहेगी कॉलेज लाइब्रेरियन की, सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी देखने को मिलेंगे, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉम और लैंग्वेजेस, एज वेल एज उर्दू, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत डिमांड करते हैं कि हमें उर्दू लैंग्वेज रिलेटेड कुछ पोस्ट या कुछ रिक्रूटमेंट ला के दीजिए। तो आपको यहाँ पे उर्दू का डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी के सारी डिटेल मैंने आपके लिए वीडियो में कवर कर दिया, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा। तो बिना देरी करते हुए सारा प्रोसेस डिस्कस करते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, 2 टाइप की पोस्ट रिलीज हुई है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एज वेल एज कॉलेज लाइब्रेरियन की। दोनों का फीस स्केल आपका सेम रहेगा, लेवल 10 का। परमानेंट पोस्ट है तो अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी 2nd of January। एंड हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी है जिसकी लास्ट डेट रहेगी 10th of January, ठीक है। एंड ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका 28th of November से, तो काफ़ी टाइम हो चुका है इसको स्टार्ट हुए। एंड एप्लीकेशन फीस मेंशन कर रखी है, तो अनरिजर्व AWS एंड OBC वालों के लिए 1500 रुपीज़ रहेगी। प्लस यहाँ पे आपका फैसिलिटेशन चार्जेस लगेगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1550 रुपीज़। SC ST वालों के लिए 800 एंड PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, हार्ड कॉपी सबमिट करानी है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन कर रखी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको हर टाइप के डिपार्टमेंट कवर होते हुए नजर आएंगे, रिलैक्सेशन वगैरह जो आपको हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है एज में, प्लस यहाँ पे मार्क्स में भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो दोनों बेनिफिट होंगे फॉर कैटेगरीज लाइक SC ST एंड PWD। और सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से कवर हो रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट आपकी 23 पेजेस की रहेगी, तो मैं आपको ब्रीफ में सारी डिटेल बता देती हूँ। उसके अलावा फिर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो रीड जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल डिपार्टमेंट आपके कवर हो रहे हैं 24। वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से आपकी पोस्ट रहेगी। फर्स्ट है एंशियन हिस्ट्री की, टोटल 9 पोस्ट है। कॉमर्स की 16 है, कंप्यूटर साइंस की 7 है, डिफेंस स्टडीज़ की आपकी 4 है, इकोनॉमिक्स की 6 है, एडुकेशन की 5, इंग्लिश की 7, ज्योग्राफी की 6, हिंदी की 7, लॉ में 21, मैथमेटिक्स में 4, मेडिकल हिस्ट्री में आपकी 4, म्यूजिक इन सितार में 1, म्यूजिक इन तबला में 2, म्यूजिक इन वोकल में 2, पेंटिंग में 2, फिलोसफी में 2, फिजिकल एडुकेशन में 2, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 5, संस्कृत में 3, स्टेटिस्टिक्स में 3 एंड उर्दू में आपकी रहेंगी टोटल 2 पोस्ट। एज वेल एज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर रखा है, लाइक अनरिजर्व के अंदर इतना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, OBC के अंदर इतना, तो वो भी आप डिटेल में देख सकते हो। और सिर्फ आपकी पोस्ट लाइक अनरिजर्व में रिलीज करी है तो वहाँ पे और कई कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका एक क्लॉज होता है उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, दैट्स इट। रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है आपकी अलाहाबाद डिग्री कॉलेज से, ठीक है, तो अलाहाबाद में लोकेटेड होगा। और जो लास्ट के 8 पेजेस के बाद आपको जो डिटेल मेंशन कर रखी है वो सारा दे रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, फर्स्ट पेज जो खुलेगा वो कैसे होगा, उसके बाद सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे आपको अपना नेट का, GRF वगैरह का, सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में बहुत ईजिली मेंशन करी हुई मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी लगी। 8 पेजेस के बाद वो ही सारी डिटेल रहेगी, तो मोस्टली अगर आप अप्लाई करते हो तो आप 8 पेजेस तक तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद से आप गो थ्रू कर सकते हो। ये आपकी रिक्रूटमेंट थी, मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी विजिट करा देती हूँ कि आपको अपनी रिक्रूटमेंट कहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगी, एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए जैसे आप ऑनलाइन का प्रोसेस करोगे, यहाँ से आपको अपना ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, साइन इन करना है, अंदर लॉग इन करना है, ये प्रोसेस रहेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।